माय नेम इज मुजीब खान, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस तो आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज मुजीब खान, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी कठुआ। जैसे आपने देख लिया होगा बैकग्राउंड में कि आज क्या कंटेंट होने वाला है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम अपने हॉस्टल रूम के टूर करने जा रहे हैं। उसमें हम अपने जितने भी भाई बंधु हैं उनके रूम में घुसने वाले हैं, अचानक से उन्हें बिना बताए हुए जा रहे हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं कि हम उनके रूम में जा रहे हैं, आ रहे हैं। उनसे हम बातें करेंगे, क्या कर रहे हैं वो बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं, तो आ जाओ। चलिए अपने रूम से मैं निकलता हूँ ग्राउंड फ्लोर में। अब हम चलते हैं इस रूम में। आई थिंक अबे और आदित्य का रूम है, लेकिन यहाँ पर चार बंदे बैठे हुए हैं ग्रुप स्टडी के लिए। देखो, और अबे ये हमारा क्या कर रहे हैं, देखो पढ़ाई चल रही है यहाँ पे इस रूम में। पढ़ाई कर रहे हो भाई, इधर देखो, चेहरा दिखा दो। ये हमारे जिगमत हैं। ले लद्दाख हो यार, ये ले लद्दाख की वैरायटी है, देखा आपने। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही वैरायटीज मिलती है, कोई ले लद्दाख का, कोई बिहार का, कोई पुंछ का, कोई राजौरी का। अच्छा जिगमत भाई, क्या पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो अभी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है यार, आप पढ़ो, पढ़ाकू बच्चे हो यार। आप क्या कर रहे हो भाई? हेलो, हाँ जी, आपका नाम क्या है? प्रभाकर। अरे नाम तो तुम्हें पहले ही बोल दिया। क्या नाम है आपका? दिवाकर है। आप कहाँ से हो? मैं कौन से हो ना पढ़ रहे हो अभी? मैं डायग्राम बना रहे। कौन सी? ये तो वगैरह है, होता है या फिर मुर्गे में होता है? नहीं, लाइफ कैसी है? बढ़िया है ना। ठीक है यार, थैंक यू यार। अब भाई किसी और की तरफ चलते हैं। हमारी साइड है यहाँ पे, ये कौन है भाई? इधर देखो, इतना फोकस है भाई तू। ओ भाई, इधर वीडियो बन रही है। प्रताप सिंह इनका नाम है, बाकी बात है ना। अब बताओ यार कुछ अपने बारे में, कुछ बताओ, कैसा कैसे दिन निकल रहे हैं आपके हॉस्टल्स में? पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर? आजकल कैसे लग रहा है आपको कॉलेज में? कैसा लग रहा है आपको? बहुत सही लग रहा है। और बताओ, पढ़ाई चल रही है ना? बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, मैंने सुना यार। आज हम अपने व्यूज को आपका टैलेंट दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, तो अलग जैसा भी बजाते हो यार। चलो बजाते हैं आप। ठीक है, डायग्राम्स भी बनाएंगे। ठीक है, इतने दुख क्यों हैं जिंदगी में आपके? जिंदगी में बहुत ज्यादा। अभी भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बताएंगे बाद में, बताओगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं अगले बंदे की तरफ जो हमारा बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। क्या पंकज फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली की वैरायटी। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? हाँ जी। अच्छा आदित्य भाई, क्या कर रहे थे आप? अभी तक तो मैं पढ़ रहा था, पर तुमने मेरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया। बाकी मैं पढ़ी। पक्की बात है, पढ़ रहे थे आप? हाँ। यार सही है यार, ये तो स्क्रिप्ट नहीं है यार। सही है, साथ में पीते हैं देखो। हाँ। ये दूध पी रहे। ठीक है, तो दूध पीते बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं यार। अच्छा और बताओ अपने बारे में, कैसे दिन निकल रहे हैं आपके हॉस्टल में? बस निकल रहे हैं, बढ़िया। अच्छा कॉलेज में, कॉलेज कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। सही है, एनाटॉमी कैसी लग रही है? जा रही है एनाटॉमी ऊपर से सर के। अच्छा ठीक है यार, एक बात बताओ आप, जैसे हाँ प्रभाकर बताओ, इनमें सबसे अच्छा टैलेंट क्या है? फ्लूट। फ्लूट, हाँ ये फ्लूट बजाते हैं यार, बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। आपने फेस्टिवल पार्टी की जो वीडियो उसमें देखा होगा यार, इस बंदे ने इतना अच्छा। क्या भाई, अब शुरू करेंगे अपना, फ्लूट बजाएंगे। तो यार बहुत अच्छा फ्लूट बजाते हैं, तो देखते हैं, चलो शुरू हो जाओ। बढ़िया यार, एकदम है ना, क्लैपिंग होनी चाहिए यार इसके लिए। यार ये एक बात मैं बताना भूल गया, ये बंदा जो है ये धोनी का बहुत बड़ा फैन है यार। देखो यार, इसने टी शर्ट भी धोनी की लगाई हुई है, आजकल तो धोनी सर बहुत ही फॉर्म में है। देखो दूसरे बंदे के रूम में चलते हैं यार, देखते खोज।
यहाँ कहीं चलते हैं, देखते हैं ये बंदा खोलेगा या नहीं। ओ हो हो हो, क्या बात है, हमारे कश्मीर के बंदे कुछ पूछते हैं कौन है ये। ओहो कुछ नहीं यार, ऐसे ही हम आपके आज रूम में थोड़ा घूमने फिरने के लिए आए। मैंने सोचा यार आपके रूम में कभी नहीं गया तो चलते हैं, काम पड़ गया था एक। हाँ सर, हाँ यूट्यूब पे जाएगी यार। यार वो चीज नहीं है यार, आप इतना स्मार्ट हो यार आप। अच्छा नाम शिवम दुबे। अच्छा नाम पता है। अच्छा क्या कर रहे थे आप अभी? हम बस यार रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे, किसकी रिवीजन चल रही है? अच्छा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यार कैसी है फिजियोलॉजी, मजा आ रहा है? ये कहाँ से? ओ यार इससे इजी सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं है। बस क्या करना है, पूरा दिन पढ़ते रहते हो अपना। सोते कब हो? मैं सोता हूँ सर। क्या बात है यार, ऐसे भी लोग दुनिया में मिलते हैं हमें जो सोते ही नहीं है। सोने से कहना, मैंने सर एक मोटिवेशन वीडियो देखी थी। अच्छा अच्छा, वो मोटिवेशन वीडियो में क्या बोलते हैं, जो 6 घंटे में सोने गए, अगर आप ना सो तो दिन में आप 6 घंटे बचा सकते हो। सही बात है। तो महीने में सर आप 6x30 मल्टीप्लाई करो सर। सही बात, एक साल तो मैं 1.5 साल एक्स्ट्रा जोड़ लेता हूँ सर, मेरी अभी 6.5 साल की हो जाएगी सर। बोल रहे 5.5 साल हो गए। सही बात है, ये सीखना चाहिए। जितने भी नींद है वो पहले ले लो, एक बार एमबीबीएस में घुस गए फिर नींद नहीं होती। सही बात है सर, बहुत कुछ अच्छा सिखाया आपने, बहुत ही सीरियस बंदा है ये, पढ़ाई के मसले में ये जो है ना बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस। ठीक है सर, शिवम सर सोया करो, थोड़ा बहुत है ना सोना जरूरी है। ठीक है, ओए तुम किधर भाग रहे हो, तुम किधर भाग रहे हो? अब हम चलते हैं हमारी क्लास का सबसे शरीफ बच्चा जिसका नाम है तरेश पंडोत्रा। तरेश पंडोत्रा से कुछ बातें करते हैं अब हम। अभी क्या कर रहे थे आप? एनाटॉमी चुरसिया साहब के साथ। अच्छा चुरसिया सर पढ़ रहे हो, क्या बात है। नहीं यार, सुना है आप अच्छी शायरी भी करते हो, मैंने आपकी शायरी भी डाली हुई है जो फ्रेशर पार्टी है, तो आज आप क्या करेंगे, आज मुझे शायरी भी आप सुनाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, और पहले आप ये बताएंगे की कॉलेज में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन 2 महीने में, कैसा लगा आपको कॉलेज में? कॉलेज में मज़ा ही आया, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, थोड़े अप्स एंड डाउन्स, अभी मज़ा आ रहा है, होपफुली आगे बात रहेगा। अभी थोड़ा बहुत रहती है पढ़ाई वगैरह की प्रॉब्लम, बट स्ट्रेस मैनेज हो जाता है, और उसके अलावा मज़ा भी आया, तो थोड़ा मज़ा पे फोकस करें और पढ़ाई को भी साथ साथ चलाते रहे। यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि MBBS लाइफ में नीट जैसा स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बस अपना पढ़ाई करनी है मस्त, और कोई वो नहीं, असल लोग तलवार नहीं लटक रही सर पे कि फर्स्ट ही आना है ये वो, आराम से अपना पढ़ाई कॉन्सेप्ट बनाओ, फोकस करो, अच्छे डॉक्टर बनो। जाते जाते क्या करेंगे कि हम आपसे कुछ शायरी सुनना चाहते हैं, फेमस है यार शायर, बहुत फेमस। शायरी तो नीट एस्पायरेंट्स के लिए मोटिवेटिंग तो नहीं है, मेरे पास दुख भरी है। दुख भरी ये है कि ना आंसू रहे दिखाने को, ना यादें रही मिटाने को, ना आंसू रहे दिखाने को, ना यादें रही मिटाने को, छोड़ दी मैंने अपने जीने की हर एक वजह, छोड़ दी मैंने अपने जीने की हर एक वजह, शायद अब सुकून मिल जाए जमाने को। एक और ये थोड़ी फिर भी कम दुख भरी है, जिंदगी है काट लेंगे, दुख दर्द है बांट लेंगे, जिंदगी है काट लेंगे, दुख दर्द है बांट लेंगे, माना अभी सिर्फ रातें अंधेरी हैं मेरे हिस्से में, माना अभी सिर्फ रातें अंधेरी हैं मेरे हिस्से में, पर तुम फिक्र ना करो, हम उसमें भी तारे छांट लेंगे। ओ भाई मेरे इतने बंदे इकट्ठे हुए इस रूम में, और ये सर्वसव हैं, और वो हमारे जो मस्त स्माइल दे रहे हैं वो हमारे अजय भाई हैं, और इनके साथ जो क्यूट सा बच्चा बैठा हुआ है ये हमारा प्रणव भाई है, और ये हमारे महान सिंगर जिनका नाम है नमन भाई। ठीक है, तो हम आपको इन सबसे थोड़ी थोड़ी बातें करवाते हैं, सबसे पहले हम अभिजीत भाई के पास चलते हैं। हाँ अभिजीत भाई बताओ अपने बारे में। इस कॉलेज में आया था मैंने, जैसे श्रीनगर से ही पहले मैंने इस कॉलेज को चुना, क्योंकि इस कॉलेज का मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक लगा, इस कॉलेज का मुझे हॉस्टल फैसिलिटी ठीक लगी, पर वो सच्ची में ठीक थी, मेरे को आके सेटिस्फेक्शन मिली, फ्रेंड्स रूम्स अच्छे हैं सब, मतलब हॉस्टल ठीक है, मजा आ रहा है, काफी अच्छा है, एनवायरमेंट सही है यहाँ पे, ऐसे ही चलता रहा बस, अच्छा है। ठीक है चलो आगे चलते हैं हम। यार हमारे बहुत ही महान कलाकार बंदे हैं जिनका नाम है अजय भाई, तो उनसे बातें करते हैं हम थोड़ी। अजय भाई नाम है। अजय ठीक है। अच्छा भाई आप कहाँ से? मैं अखनूर से हूँ। अखनूर ठीक है। अच्छा अखनूर से हो, और बताओ अपने बारे में क्या कर रहे हो, कैसे निकल रहे दिन आपके कॉलेज में? कॉलेज में दिन तो ठीक ही निकल रहे हैं, लेकिन जैसा नीट के पहले सोचते थे कि मस्त लाइफ होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, आगे जाके पढ़ना ही नहीं है कुछ भी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल मतलब लड़कियां नहीं कट रही है, बहुत पढ़ाई का तो है,
मेडिकल कॉलेज वो तो होगा ही होगा। अच्छा अनाटमी कैसी लग रही है? अनाटमी चल ही रही है। चल ही रही है मतलब ठीक है। अच्छा अच्छा और कुछ? और बाकी मजे ही है, हॉस्टल लाइफ बेस्ट है, ठीक है, कॉलेज लाइफ तो ऐसी चल रही है रद्दी। अच्छा अच्छा, बाकी दोस्त मिले अपने भाई चाई सही है, बढ़िया है ना? मस्त चल रहा सब। अच्छा ठीक है, तो कुछ है हमारे ये मेरा बनी नहीं झूठ मत बोलो यार, होती सबकी है लेकिन बताता कोई सही ना बनाओ। तो आप चलते हैं, हम ये झूठ बोल रहे हैं यार। अब हम चलते हैं प्रणव भाई के पास। और प्रणव भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई, लाइफ कैसी चल रही है? अच्छा आप कहाँ से हो यार, हमने बताया नहीं मुझे, जब से आए? जम्मू से हूँ यार मैं। पक्की बात है ना? पक्की। मुझे जम्मू कौन सी जगह? डिगाना में, डिगाना पुरी वाली साइड। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताओ आप अपने बारे में। सिंपल सी बात है भाई, चिंता विंता लेनी नहीं है, देखो सब सब मिलेगा यहाँ पे आके, सब कुछ बराबर मिलेगा। क्या एक्सपीरियंस आपका कॉलेज से पहले, क्या एक्सपीरियंस था कॉलेज के बाद, क्या एक्सपीरियंस आप बताओ? पहले तो लग रहा था कि कॉलेज से पहले मतलब कि लाइफ काफी टफ है, लेकिन अब जब देख रहे हैं तो लग रहा है कि यार पहले फिर भी ठीक था, अब तो हर दिन एफए, हर दिन स्टेज वाइवा, सब इन्होंने मतलब अच्छी तरह से बैंड बजा दिया हमारे। आप नीट वाले बच्चों को लास्ट पर ये बोल दो कि डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, आना है यहाँ पे बस। हाँ बस बस अभिजीत कुछ कहना चाहता है, अभिजीत कुछ कहना चाहता है यार, अभिजीत कुछ कहना चाहता है। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, जब नीट का पेपर देते हो, नीट होता टफ है वैसे, पर ये एक्चुअली कुछ एग्जाम नहीं, अभी आपको फर्स्ट स्टेज चल रही है, असली स्ट्रगल तो यहाँ होता है एमबीएस में। तो मैं यही बोलता हूँ अभी इंजॉय करो अच्छे से, नीट का पेपर दे लो, उसके बाद इंजॉय करो। वो वाला टाइम जो होता है ना नीट का पेपर के बाद और कॉलेज एंट्री से पहले, वो सबसे अच्छा टाइम होता है। कॉलेज एंट्री होने के बाद लाइफ शुरू होगी, रियल स्ट्रगल तब से शुरू होता है। तो अभी इंजॉय करो, नीट का पेपर दो अच्छे से, मस्त मस्ती। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उस फेज को भी इंजॉय करो, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए हम भी मतलब वो जब सोचते हैं कि हम भी तैयारी कर रहे थे तो वो भी याद आता है, तो उस चीज को भी एंजॉय करो, मतलब हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। ये सब आप मिस करोगे यहाँ पे आके, मतलब ऐसा नहीं है कि मजे मारोगे, सब मतलब स्ट्रगल हमेशा रहेगी, स्ट्रगल हमेशा रहेगी, हमें खुद को एडजस्ट करके रहना पड़ता है। एंजॉय द प्रेजेंट, हाँ एंजॉय द प्रेजेंट, ठीक है। बाकी लाइफ है यार, मुश्किलें आएंगी, ठीक है, हंसते रहो और मजे करो साथ में। बहुत बहुत हमारे फेमस सिंगर, हमारे जीएमसी कठुआ के टाउन में सबसे फेमस सिंगर जो भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनसे अपने बारे में बताओ। बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं जम्मू से हूँ और यही जो मेरे सारे फ्रेंड्स ने बोला उसमें ऐड ऑन यही करना चाहूंगा कि हम बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में ड्रीम लाइफ जिसे बोलते हैं वो हम यहाँ पे जी रहे हैं, और जो एक एक दिन जो हमने एक एक रात हमने हार्डवर्क किया वो वर्थ इट है यहाँ आना। तो बाकी जो भी अपनी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यही बोलूंगा कि उसके बाद हर एक चीज ऐसी है जो बोलते हैं ना पेरेंट्स कि आप अपनी लाइफ जियोगे या उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आके आपको मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। बाकी हर एक चीज है, मजे के साथ पढ़ना तो है बिल्कुल है, और एट द एंड अगर आपको डॉक्टर बनना है तो दिन रात पढ़ो और यहाँ पे आ जाओ हमारे ही कॉलेज में। बाकी देख लेंगे हम, लड़की कठुआ में ये सबसे अच्छी बात है, कठुआ में ये सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ बस इंट्रो होता है, रैगिंग नाम पे इंट्रो होता है और उसमें काफी मजा आता है। यहाँ पे पेड़ बूढ़ नहीं है लेकिन हरियाली भरपूर है, वो दूसरी हरियाली की बात कर रहे हैं हम, लेकिन है समझ रहे हो ना। अच्छा तो आप नमन भाई का जो असली मतलब टैलेंट है जिस सिंगिंग का, तो हम आपको भी सुनाना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आपको सुनाएंगे हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे लिए। मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाना चाहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो ना तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। यार इसके इसके मुंह से भी कुछ हम सुनना चाहते हैं। इनका नाम है सर्वसु, क्या नाम है? कैसे आया नाम आपका? अपने बारे में बताओ। अपने बारे में जम्मू से बिलोंग करता हूँ, तिरुपति साइड से। कैसा एक्सपीरियंस है कॉलेज का? कॉलेज के पहले मतलब कॉलेज आने से पहले मेरे को लगता था गवर्नमेंट स्कूल जैसे पढ़ाते कुछ भी नहीं है, वैसे गवर्नमेंट कॉलेज में कोई एफए वगैरह नहीं होते होंगे। तो जब कॉलेज में आए तो हर हफ्ते एफए, और यहाँ पे पेड़ बिल्कुल नहीं है लेकिन हरियाली दूसरी वाली आपको यही तो है। तो ठीक है भाई साहब, अब हम चलते हैं किसी दूसरे रूम में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने अपना विशेष टाइम हमें दिया, और ठीक है भाई साहब।
लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू।